और ये मूली डाल दिए? जी सर। अच्छा अच्छा, और ये जो है अपने बन के रेडी हो गए हैं पंजाब के मशहूर चटपटे लड्डू करारे। ओके गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड इंडियन फूडी कलाकार और इंडियन फूडी कलाकार एक ऐसा चीज़ को पकड़ा है, पंजाब के मशहूर चटपटे लड्डू करारे। भाई ये क्या चीज़ है भाई, अगर आप लोग किसी ने खाया है करारे लड्डू तो बताइएगा कमेंट करके। और भैया का क्या नाम, भैया आपका क्या नाम है भैया जी? आपका क्या नाम है? राम कृपाल मिश्रा। राम कृपाल मिश्रा जी जो है अपने पंजाब के मशहूर चटपटे करारे बनाते हैं। कब से बना रहे हैं आप? मैं तो करीब में 25-26 साल से काम कर रहा हूँ। 25-26 साल से जी। तो ये अपना एक बार बर्तन खोलिए। जी सर। ये जैसे गाइस आप देख पा रहे हो इनके जो है ये लड्डू है जी। ये अंगीठी है, इसमें गर्म भी करते हैं। अच्छा, ये अंगीठी है, देखो इस पे सिक रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो ये सिक रहे हैं ना जी, गर्म होते हैं ना। अच्छा, गर्म होते हैं। कितने छोटा सा अंगीठी है गाइस, मेरे हाथ का है, देख लो एक हाथ का ये अंगीठी है। और कितनी खूबसूरत अंगूठी, क्या मतलब अच्छे तरीके से बनाया गया है। और ये सिकने के बाद जो है आप हमको खिलाते हैं? हाँ। अच्छा, और बाकी जो है ये बन के प्रिपेयर यहाँ पे अंदर रखे रहते हैं? अच्छा अच्छा, बाकी जो है बन के जो है ये रेडी है, प्रिपेयर है, आप देख पा रहे हो करारे। और मूली है, ये मूली वूली का ढके हुए रहते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सही। तो फाइनली गाइज अब जो है मैं इनसे एक चटपटे करारे बनवाने जा रहा हूँ, तो एक प्लेट मेरे लिए भी लगा दीजिए भैया। ये क्या डाल दिए भैया? ये तो मूली है। ये क्या है? ये चटपटे वाले हैं, ये सादे, इस पे चटनी थोड़ी डालेंगे। अच्छा अच्छा, ये भी सही हो जाएगा। अच्छा। चीज एक है बट टेस्ट दो तरह के। अच्छा, चीज एक है बस, और ये मूली डाल दिए? जी सर। और ये ग्रेवी डालना है? जी सर। अच्छा अच्छा, तो ये करारे बनते किससे हैं? ये मूंग और चने की दाल के। अच्छा, ये मूंग और चने के दाल के हैं भाई चटपटे करारे। और ये जो है अपने बन के रेडी हो गए हैं पंजाब के मशहूर चटपटे लड्डू करारे। इतने बड़े नेम भाई, और ये पंजाब में ही मिलता है क्या? ज़्यादा वहाँ बिकता है, यहाँ भी चल रहा है। गाइस ये मूंग दाल से बना हुआ है, तो एक बार इसको हम ट्राई करते हैं। ये देख पा रहे हो तोड़ने से मूंग की दाल। वैसे मूंग की दाल तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा चीज़ होता है, सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। दही बड़ा अगर आप लोग खाए होंगे तो बड़ा जैसे होता है उसी टाइप का ही है ना? सही बोल रहा हूँ, दही में पड़ जाए तो दही बड़ा हो गया। अच्छा, ये दही में पड़ जाए तो दही बड़ा हो जाए। और ये वाला दूसरा है, इसको दूसरे वाले को मैं टेस्ट करता हूँ। सेम चीज़ है, सेम चीज़। ये भी वही है, लेकिन जो ये वाला ये क्रंची है जी, ये वाला क्रंची है ये। और जो ग्रेवी बनाया है वो किससे बनाया है आप? ये जो है अमचूरा है, इमली है, धनिया, पुदीना, हरा मिर्चा, मतलब ये सब चटनी बनाते हैं। गाइस बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और इसका क्या रुपये प्लेट है? 15 रुपये 20 रुपये। 15 रुपये 20 रुपये, ये कितने रुपये प्लेट? 20 वाला आपको दिए है? ये हमको 20 वाला प्लेट दिए हैं। अच्छा, आप ज़्यादातर मतलब घूमते ही रहते हैं, फेरी वाले हैं? तो आप पंजाब से ही बिलोंग करते हैं? नहीं नहीं, मैं यहाँ बनाता हूँ, पहले वहाँ बनाते रहे यहाँ। अच्छा, पहले पंजाब में बनाते थे, अब यहाँ आ गए आपके मशहूर चटपटे करारे। तो गाइस एक जो है हम पैक करा रहे हैं, क्योंकि इतना टेस्टी है।